नमस्कार जोहार जय सु दोस्तों। और आज हम लोग आए हैं लोवारम पास्टोरेट, और यहाँ पे चर्च मैरिज होने वाला है। और आप लोग देख सकते हैं, ये है यहाँ का मेन गेट, और यहीं पर आज चर्च मैरिज होने वाला है। बहुत ही मज़ा आएगा चर्च मैरिज, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं अंदर चर्च के अंदर। और ये देखिए दोस्तों, ये है जीएल चर्च लोवारम पास्टोरेट। अभी बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और कंप्लीट हो जाएगा और इनॉग्रेशन होगा तो ज़रूर आप लोग को इनॉग्रेशन का वीडियो दिखाएंगे। और ये है दोस्तों दूल्हा बाबू का गाड़ी। दोस्तों अभी थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होगा मैरिज प्रोग्राम, स्टार्ट होगा तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए। गिरता है तो दूसरा उसको उठाएगा। तीन तन से बढ़ती रस्सी सरंग और रोजलिया के बीच में प्रभु यीशु मसीह है, और तीनों आपस में मिले रहने की बातें हैं, प्रेम की बातें, दंपति जीवन की बातें हैं। और इससे का नाम है दंपति जीवन, पारिवारिक जीवन, और ये सुखी आदर्श मसीह जीवन प्रभु चाहता है। प्रभु कन्हा नगर में काम किया, आज हम सबों को भी सरंग और रोजले के लिए काम करना है, प्रभु को महिमा करना है, धन्यवाद देना, उनको प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। खुश रहे होते हैं। मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना नाम
किस सालों को हो भाई सारण को अपना आपसे पूछना चाहूँगा या विवाह आप अपनी इच्छा और परिवार की इच्छा से कर रहे हैं या किसी के दबाव से अपनी इच्छा से मैं विचार से पूछना चाहूँगा इस विवाह से आप खुश हैं जो भाई सारण करता है काम उसके काम के द्वारा आप प्रसन्न हैं वह रोजाने जो भी करती है अपने सारण उसको भी आप जानते हैं और इसलिए क्या आप ये उसके काम से खुश हैं आप हे कृष्ण सारण जगमान सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर के सामने इस अपने वचनबद्ध होने को विवाह की प्रतिज्ञा देकर मेरे पीछे पीछे कर दे मैं कृष्ण सारण जगमान मैं कृष्ण सारण जगमान प्रतिज्ञा देता हूँ अपनी धर्म पत्नी करके कभी ना त्यागूंगा कभी ना त्यागूंगा दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूंगा इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे मेरी सहायता करे आमीन प्रतिज्ञा देकर कहिए मैं किस तरह जाने को तुझको हे कृष्ण शरण करूंगा यह सर्वज्ञानी ईश्वर के सामने और एक सक्षम के सामने प्रतिज्ञा देती हूँ मरने लो दुख और सुख में विश्वासता से प्यार करूँगी इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे आमीन इस अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ करने के लिए कौन सा आवश्यक कहना और परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ आमीन परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन जो कुछ ईश्वर में जुड़ा है उसको मनुष्य आरंभ करें आमीन कोई अपना कर्तव्य न होती